टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक। और मैं हूं शिवानी। और आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम एक बहुत ही क्रांतिकारी स्मार्टफोन के बारे में बात करने वाले हैं। उसका रिव्यू टेक गुरु पर बाद में होगा, बाद में होगा, लेकिन कीमत, एग्जैक्टली कीमत, इससे सस्ता सुंदर टिकाऊ तो है कि नहीं पता नहीं, लेकिन इससे सस्ता स्मार्टफोन शायद आपको मिलेगा। कौन सा है ये? शायद कभी भी नहीं मिलेगा। शायद मिल भी सकता है 10 साल बाद। 10 साल बाद फ्री में फिर मिलेगा। इससे सस्ता तो फ्री हो सकता है। एक मतलब चॉकलेट का डब्बा आपको 100 रुपीज़ का मिलता है। ये स्मार्टफोन 251 फ्रीडम 251 नाम का स्मार्टफोन है। दुनिया का सबसे सस्ता एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाला स्मार्टफोन ये होने वाला है। इस हफ्ते लॉन्च हो रहा है, अनाउंस हो रहा है, अभी तक हम तक पहुंचा नहीं है, शायद पहुंचेगा जल्दी। टेक गुरु पर इसका रिव्यू करेंगे। इंक्रीमेंट के बाद हम बताएंगे कि हमें इसकी जरूरत है या हम अपने स्मार्टफोन से काम चला सकते हैं कि नहीं। एनीवे, टेक गुरु पर आज के एपिसोड में जिन स्मार्टफोन्स का हम रिव्यू करने वाले हैं उनमें एक है Asus ZenFone Zoom 3.x ऑप्टिकल जूम। इस कैमरा फोन में दिया गया है अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन ये है। और साथ में करेंगे ओप्पो की तरफ से सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो F1 का रिव्यू। दोनों की खासियत कैमरा। पर इसके अलावा एक और सरप्राइज गैजेट है आज के शो में, जो है टाइम क्या हुआ है शो ऑफ Samsung Gear S2 जो मेरे साथ एक हफ्ते था, मैंने इसका रिव्यू किया है। देखते हैं पहले कैसा गया मेरा एक हफ्ता और उस हफ्ते का एक दिन। दौड़ते भागते रिव्यू किया। वॉच की घड़ी की तरह किलर कैजुअल लुक्स और दूसरे एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स के साथ अच्छी कंपैटिबिलिटी, रिजल्ट Samsung Gear S2। ये है Samsung की नेक्स्ट जेनरेशन स्मार्ट वॉच Samsung Gear S2। इसके प्रीलोडेड वॉच फेसेस इसे फन और अलग लुक देते हैं। Gear S2 की स्क्रीन दूसरे स्मार्ट वॉचेस की स्क्रीन से थोड़ी छोटी जरूर दिखती है, पर ये काफी ब्राइट और विविड भी है। Samsung ने इस बार Gear S2 के पूरे यूजर इंटरफेस को इसके डायल के चारों ओर घूमने वाली इस रिम के इर्द गिर्द ही डिजाइन किया है। लेफ्ट रोटेट करने पर नोटिफिकेशंस मिलते हैं और राइट रोटेट करने पर ऐप आइकन्स मिलेंगे। इसी तरह से इस रिम को घूमते घुमाते आपको बाकी के फीचर्स से भी आमना सामना हो जाता है। Samsung Gear S2 की ओवरऑल स्टाइल काफी कॉन्फिडेंट है। मैंने इनफैक्ट इस घड़ी के साथ एक पूरा हफ्ता बिताया है और ये है उस हफ्ते का एक दिन। मेरे दिन की शुरुआत फिटनेस एक्टिविटी से होती है और आजकल हर स्मार्ट वॉच में हेल्थ और फिटनेस फीचर्स आते हैं। इस घड़ी में स्टेप काउंटिंग काफी एक्यूरेट है और एस हेल्थ आपको कई इजी ग्लांसेबल ग्राफिक्स दिखाता है ताकि आप ये जान पाए कि आपके फोन ऐप में इंस्टॉल फिटनेस गोल को आप पूरा कर पाए हैं या नहीं। और अगर आप एक्टिव नहीं हैं या किसी भी एक्टिविटी के लिए मोटिवेटेड भी नहीं हैं, तो Gear S2 वाइब्रेट कर आपको रिमाइंड करेगा कि आप 1 घंटे से ज्यादा बैठे हुए हैं। Samsung Gear S2 आपकी रेगुलर स्पोर्ट्स वॉच को रिप्लेस नहीं करेगा, लेकिन ये कई सारी एक्टिविटीज ट्रैक करता है जैसे साइकिलिंग, वॉकिंग, रनिंग वगैरह। इसके अलावा आपने दिन में कितने कैलोरीज बर्न किए इसे भी ये वॉच ट्रैक करता है। ये एक कैजुअल फिटनेस यूजर के लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। Nike Plus रनिंग भी इसमें प्रीलोडेड है, जिससे ये रेगुलर रनर्स के लिए काफी काम की साबित होती है। टाइम, डिस्टेंस और एवरेज पेस वॉच फेस पर ही दिखता है। इसका हार्ट रेट मॉनिटर भी काफी अच्छा है और अगर आप कोई भी एक्सरसाइज या वर्कआउट नहीं कर रहे तो ये आपके BPM रीडिंग्स को रेस्टिंग, बिफोर एक्सरसाइज, आफ्टर एक्सरसाइज या फिर मूड के हिसाब से, जैसे एंग्री या एक्साइटेड, ऐसे भी बताता है।
आपकी पसंद और ज़रूरत के हिसाब से आप प्री लोडेड वॉच फेसेस चूज कर सकते हैं। एनालॉग और डिजिटल दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। इसके अलावा आपकी ज़रूरत के हिसाब से, चाहे आपको वेदर अपडेट चाहिए या फिर स्टॉक अपडेट चाहिए या फिर न्यूज़ अपडेट चाहिए, उस हिसाब से आप अपने वॉच को और वॉच के फेस को कस्टमाइज कर सकते हैं ताकि इन चीज़ों का आपको ईजी एक्सेस मिले। Nike CNN जैसे कई ऐप का इन्फो आपको आपकी फिंगर टिप्स पर मिलेगा। अब दिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो सबसे बड़ा सवाल दी बैटरी लाइफ कितनी है। Gear S2 की बैटरी लाइफ दूसरे स्मार्ट वॉचेस से बेहतर है, पर यह भी निर्भर करता है कि आप इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप ऑलवेज ऑन स्क्रीन रहे या मैप्स वगैरह इस्तेमाल करें तो शायद कम हो सकती है। स्पेशल मेंशन, इसमें अच्छा पावर सेविंग मोड भी है। S2 इस घड़ी का मेरा फेवरेट फीचर तो है इसका रोटेटिंग बेजल। मेरे हिसाब से काफी इंट्यूटिव तरीका है एक स्मार्ट वॉच के साथ इंटरैक्ट करने का, लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसे देखकर आपको लगेगा कि ये और बेहतर हो सकता था। इसका S वॉइस मेरे हिसाब से लेट डाउन है। पर क्या इस घड़ी पर ₹24,300 खर्च किए जा सकते हैं? इतनी मेहनत की और सवाल फिर भी वही, खरीदना चाहिए कि नहीं 23,000 स्मार्ट वॉच। सो एक आपको कूल गैजेट या फिर कूल एक्सेसरी चाहिए आपके स्मार्टफोन के साथ तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन यू नो स्मार्टफोन्स स्मार्ट वॉचेस को लेकर मेरी राय थोड़ी कंजर्वेटिव है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस है स्मार्टफोन के साथ, उसके बगैर काम नहीं कर सकता। अगर कोई टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो ताकि वो विदाउट योर स्मार्टफोन यानी स्मार्टफोन की बैटरी डेड होने के बाद भी ऑपरेट करने लगे तो बेहतर होगा। इसके अलावा बैटरी मतलब अगर स्मार्टफोन डेड हो गया तो ये फोन आपका काम नहीं करेगा। नहीं, मतलब वॉच काम करती है, बेसिक फीचर्स बताती है, लेकिन किसका मैसेज आया, नोटिफिकेशंस नहीं आते, यू नो मैप्स नहीं चलेंगे क्योंकि इसमें जीपीएस इनेबल्ड नहीं है, वो आपके स्मार्टफोन के जीपीएस पर डिपेंडेंट है। तो एक कूल टॉय के तौर पर आप इसे जरूर खरीद सकते हैं, पर अगर आप इसे एक यूजफुल गैजेट के पैमाने पर अभी भी स्मार्ट वॉच एज ए कैटेगरी फुलफिल नहीं करती। और 23,000-24,000 ऑन दिस इज लाइक अ बिट टू मच। वेलकम बैक टेक गुरु पर आपका एक बार फिर से स्वागत है अभिषेक। हाँ, तो मैं सवाल एक पूछना चाहता था कि नॉर्मली कौन सा DSLR कैमरा यूज करती हो तुम? DSLR is too heavy, I travel light. हाँ, सही बात है। anyway, वैसे भी ये कहा जाता है कि सबसे बेहतरीन कैमरा वो होता है जो आपकी पॉकेट में हो। एग्जैक्टली, और कैमरा फोन से बेहतर कैमरा और कौन सा हो सकता है, बिकॉज फोन भी है कैमरा भी है और जहाँ पर कोई मोमेंट दिखा फौरन जेब से निकाला और क्लिक कर दिया। एग्जैक्टली, और कहीं घूम गए तो नेविगेशन भी है, कॉल भी कर सकते हैं, नेविगेशन भी है। एग्जैक्टली, तो आज के टेक गुरु के एपिसोड में हम दो कैमरा फोन रिव्यू करने वाले हैं। सबसे पहला कैमरा फोन है Asus Zenfone Zoom, और इस फोन की खासियत यह है कि 3x ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। कैसा है ये, देखते हैं इसके टेक्निकल फीचर्स क्या है। पेश है Asus Zenfone Zoom, Asus की Zenfone सीरीज का नया कैमरा फोन। इस फोन की खासियत है इसका कैमरा जो 10 एलिमेंट लेंस और ऑप्टिकल जूम के साथ आता है। Asus के हिसाब से Zenfone Zoom दुनिया का सबसे पतला ऑप्टिकल जूम वाला कैमरा फोन है। अपने किनारों पर यह फोन महज 5 mm पतला है। लुक्स एंड डिजाइन वाइज Zenfone Zoom काफी कुछ नोकिया लूमिया 1020 की याद दिलाता है, पर अंदर से फोन बहुत हद तक Zenfone 2 जैसा ही है, बस इस बार कैमरा पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर दिया गया है। Zenfone Zoom में 13 मेगापिक्सल का कैमरा है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन और 3x ऑप्टिकल जूम के साथ। इसके साथ इसमें रियल टोन वाला डुअल LED फ्लैश दिया गया है जिससे कलर टोन्स ज्यादा अच्छे मिलेंगे।
साथ ही सुपर फास्ट फोकस के लिए लेजर ऑटो फोकस भी ज़ेनफोन ज़ूम में इस बार ऐड किया गया है। बाकी फीचर्स की बात करें तो ज़ेनफोन ज़ूम में 5.5 इंच की 403 पिक्सल पर इंच की पिक्सल डेंसिटी वाली फुल HD स्क्रीन दी गई है, जिस पर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन और अच्छी टच रिस्पॉन्सिवनेस के लिए गोरिल्ला ग्लास 3 की परत चढ़ाई गई है। यह डुअल सिम फोन एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन पर चलता है, जिसके साथ ASUS का Zen UI दिया गया है। तेज तर्रार प्रोसेसिंग के लिए जहां 2.3 GHz का इंटेल एटम Z3580 क्वाड कोर प्रोसेसर है, वहीं स्मूथ मल्टीटास्किंग के लिए 4GB रैम का साथ दिया गया है। स्टोरेज के हिसाब से भी ज़ेनफोन ज़ूम काफी इंप्रेस करता है। इसमें 128GB की इंटरनल स्टोरेज दी गई है, जिसे माइक्रो SD कार्ड्स की मदद से एक्सपेंड किया जा सकता है। ज़ेनफोन ज़ूम की कीमत है 39,990 रुपए और इसे flipkart.com से एक्सक्लूसिव खरीदा जा सकता है। अभिषेक, मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करती हूँ, बहुत लाइट ट्रैवल करती हूँ, जैसे मैंने पहले भी कहा, तो खासकर अगर आप किसी ट्रैक पे जा रहे हो जब आपके बैकपैक में ढेर सारी चीजें ऑलरेडी हो, जैसे टिश्यूज, जैसे यू नो आपका खाना, पानी, काजू किशमिश, ड्राई फ्रूट्स, जूसेस, यू नो न्यूट्रिशन बार, ऐसी चीजें हो, स्लीपिंग बैग, ये सब चीजें हो, तो एक पॉकेट वाला कैमरा आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। अब ये मत कहना कि ये पॉकेट वाला कैमरा है, बिकॉज़ ये साइज में बहुत बल्कि है। ज़ेनफोन 2 जो इसका पिछला वर्जन था उसके मुकाबले भी काफी भारी भरकम है। करेक्ट करेक्ट है, लेकिन कैमरा के हिसाब से बहुत अच्छा है। इसका कैमरा एकदम एक्सीलेंट है, मैंने ट्राई किया है। ओके, मैं इस पॉइंट को मतलब बाय कर सकता हूँ कि कैमरा इसका काफी अच्छा है, जिसे कहा जाए 3x ऑप्टिकल ज़ूम दिया गया है। जो होयो लेंस इसके अंदर दिया गया है, exactly. वो अंदर बाहर होता है, मतलब ऑप्टिकल ज़ूम ज़्यादातर जितने भी आपके अच्छे कैमरा फोन्स हैं उसमें होता क्या है, ऑप्टिकल ज़ूम नहीं होता, डिजिटल ज़ूम होता है, यानी सॉफ्टवेयर की मदद से करेक्ट फोटो को बढ़ा के ज़ूम करके दिखाया जाता है, पर इसके अंदर लेंस आगे पीछे होता है। और ASUS ने किस तरीके से इसको मैनेज किया है, ये अपने आप में तारीफ के काबिल चीज है, ये बात तो अच्छी है। करेक्ट, लेकिन अभिषेक, इसका कैमरा इतना अच्छा है, इतनी सारी सेटिंग्स दी गई है, मैनुअल सेटिंग भी है, ऊपर से यू नो अगर आप इसको मैक्रो मोड में अगर आप कोई फोटो खींचना चाहे तो ज़बरदस्त फोटो निकलेगी, खासकर इंस्टा पे जब आप इतनी ज़्यादा फूड फोटोग्राफी, जो मैं एकदम यमज़ा और यू नो फूडगैज़म टाइप जो पिक्चर्स और हैशटैग्स लिखती हूँ इंस्टा पे, उसके लिए बहुत बढ़िया है। साथ में नाइट मोड भी काफ़ी अच्छा है, वीडियोस भी अच्छी निकलती है, HDR मोड भी अच्छा है ज़ेनफोन ज़ूम का। पर देखो शिवानी, किसी भी कैमरा फ़ोन को अगर आप सिर्फ कैमरे के तौर पर देखो तो उतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि कैमरा फ़ोन कैमरा भी है और साथ में फोन भी है। फोन के फीचर्स के हिसाब से ठीक है, अच्छा है, इसमें 3GB रैम है, इतना अच्छा ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, स्क्रीन अच्छी है, सब चीज़ें अच्छी हैं, बट जब इसकी प्राइस की बात करते हैं 40,000 रुपीज़ महंगा है के लिए आप एक कैमरा फ़ोन, और वो भी जो जिसे कहा जाए कि ज़ेनफोन ज़ूम एक अच्छा कैमरा फ़ोन कैमरा है, पर जब फ़ोन की बात करते हैं तो उतना अच्छा नहीं है कि इसके ऊपर 40,000 रुपए खर्च किए जाएं। अगर इसकी कीमत 40,000 के बजाय अगर 30 के नीचे होती, उस प्राइस ब्रैकेट में होती, तो आप इसको ज़रूर खरीद सकते हैं। देखो एक चीज़ शिवानी, एक और चीज़ होती है कि आप किसी भी एक ब्रांड के ऊपर कितना पैसा खर्च कर सकते हो, कितनी एस्पिरेशनल वैल्यू है। ASUS अच्छे फ़ोन बना रहा है, ज़ेनफोन सीरीज के बहुत अच्छे फ़ोन होते हैं ASUS के, बट स्टिल वो एस्पिरेशनल वैल्यू नहीं है कि 40,000 रुपीज़ को ASUS के फ़ोन के ऊपर आज की तारीख में खर्च करे। ज़ेनफोन ज़ूम आपने अच्छी कोशिश ज़रूर की है, बट 40,000 ओवर प्राइस है। देख लेना है? नहीं, एक और फोन का रिव्यू करना है। ओप्पो का सेल्फी एक्सपर्ट ओप्पो F1 कितने मार्क्स कमाता है, सबसे पहले स्पेसिफिकेशंस देखते हैं उसके। 15,000 रुपए के बजट में बाजार में आजकल एक से बढ़कर एक स्मार्टफोन्स मिल जाएंगे। इन्हीं स्मार्टफोन्स में से एक है ओप्पो F1। ओप्पो हमेशा से अपने स्मार्टफोन के डिजाइन को काफी सीरियसली लेता रहा है और ये बात F1 को देखकर साबित हो जाती है। 5 इंच का एक खूबसूरत स्मार्टफोन मेटल डिजाइन के साथ आता है, दिखने में बेहद खूबसूरत ये स्मार्टफोन हर एक एंगल से प्रीमियम लगता है। ओप्पो F1 में 5 इंच की IPS LCD टच स्क्रीन दी गई है, जो 720x1280 पिक्सल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है, जो फुल HD नहीं है। ओप्पो F1 चलता है एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन पर, जिस पर ओप्पो के कलर OS 2.1 की परत चढ़ाई गई है।
प्रोसेसिंग के लिए ओप्पो F1 में 1.7 गीगाहर्ट्ज़ का स्नैपड्रैगन 616 ऑक्टाकोर प्रोसेसर दिया गया है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए 3GB रैम और एड्रीनो 405 GPU दिया गया है। स्टोरेज के लिए 16GB की इंटरनल स्टोरेज है जिसे 128GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। ओप्पो F1 को सेल्फी एक्सपर्ट के नाम से कंपनी प्रमोट कर रही है, तो इसमें 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है जिससे फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है। ओप्पो F1 में 13 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है LED फ्लैश और फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस जैसे फीचर्स के साथ। 2500 mAh की नॉन रिमूवेबल लिथियम पॉलीमर बैटरी का सहारा दिया गया है। ओप्पो F1 के दाम है 15,990 रुपये। कुल मिला के ये फोन अगर ओप्पो का बिल्कुल डिटेल में एनालाइज इस फोन को करें तो अगर सबसे पहले जो कि हम कैमरे की आज बात कर रहे हैं, कैमरे के मामले में बहुत अच्छे नंबर कमाता है। फिर चाहे वो इसका सेल्फी कैमरा हो या इसका प्राइमरी कैमरा हो जो बैक पैनल पर दिया गया, बहुत अच्छे कैमरे हैं, अच्छी सेटिंग्स है, बहुत आप उसके कैमरे के साथ बहुत ज़्यादा ट्विकिंग कर सकते हैं। तो ओप्पो कैमरे के मामले में बहुत अच्छे मार्क्स कमाता है। ऑन दिस नोट टेक ग्रुप पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ओप्पो F1 पिक है भैया 15,990 रुपये में। इससे अच्छा कैमरा फ़ोन आपको नहीं मिलेगा, पर अगर डिज़ाइन वाइज चाहिए तो इससे सस्ते में आपको और भी अच्छे फ़ोन मिल जाएंगे। टेक ग्रुप पर वापस आते हैं बस थोड़ी सी देर में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, मैं हूं अभिषेक और ये है शिवानी। आइला ये क्या H2SO4 और HCl, क्या क्या है ये, क्या लगा रखा है? टेक गुरु पर वक्त है टेक लैब का, तो अरे मरवाएगी क्या हुआ, ऐसे मिक्स नहीं करते हैं केमिकल, शूटर्स है, शूटर्स है। 1 2 3 कभी भी कहीं भी गेमिंग करनी है तो गेमिंग लैपटॉप तो चाहिए ही चाहिए। पेश है ASUS ROG GL552। 15.5 इंच के फुल HD डिस्प्ले वाला लैपटॉप विंडोज 8.1 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता है। ये गेमिंग लैपटॉप फीचर्स के मामले में काफी दमदार है। इसका डिस्प्ले बैकलिट LED टेक्नोलॉजी पर चलता है जिससे स्क्रीन पर ब्लैक लेवल्स जबरदस्त आते हैं और गेम खेलते वक्त मजा दुगना हो जाता है। भारी भरकम ग्राफिक्स हैवी गेम्स को भी अच्छी तरह से हैंडल करने के लिए इसमें 2.6 GHz का 4th जनरेशन इंटेल कोर i7 प्रोसेसर दिया गया है। 8GB की DDR3 रैम है और साथ में तगड़े ग्राफिक्स को संभालने के लिए NVIDIA GeForce GTX 950M ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट भी दिया गया है। 1TB की SATA हार्ड ड्राइव दी गई है। कनेक्टिविटी के लिए Wi-Fi, Bluetooth 4.0 के साथ साथ 3 USB 3.0 पोर्ट्स और लैपटॉप को और बड़ी स्क्रीन से कनेक्ट करने के लिए HDMI पोर्ट का भी इंतजाम किया गया है। सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की तरह इस लैपटॉप का वजन भी है 2.5 किलो और कीमत 70,599 रुपए। JBL एक्सट्रीम स्पीकर्स, ब्लूटूथ कनेक्टेड, पावरफुल स्टीरियो साउंड, साथ ही रिचार्जेबल 10,000 mAh बैटरी। इन नए JBL स्पीकर्स में हर हाउस पार्टी और वर्कआउट में जान डालने वाली बात है, और इसकी कुछ खास बातों में से एक है इसकी स्प्लैश प्रूफ डिजाइन और फुल लार्ज स्केल साउंड। स्पीकर्स के फ्रंट पार्ट पर वॉल्यूम कंट्रोल, ब्लूटूथ बटन, प्ले पॉज के साथ ही एक खास फीचर भी है और वो है JBI कनेक्ट, जिसमें आप इस फीचर को सपोर्ट करने वाले स्पीकर्स को आपस में कनेक्ट कर सराउंड साउंड की फील पा सकते हैं। JBL स्पीकर्स को पूरे तरीके से स्प्लैश प्रूफ बनाने के लिए इसके बैक पैनल में दिया हुआ है ये जिपर, जहाँ पे आपको मिलेगा इसे चार्जिंग करने के लिए पोर्ट, इसके साथ एक ऑक्सिन और 2 USB पोर्ट जिससे आप अपना फोन या टैबलेट भी चार्ज कर सकते हैं। इन स्पीकर्स की एक और खास बात है, इसमें दिया गया है ये स्ट्रैप। इस स्ट्रैप को आप चाहे तो स्पीकर को कहीं पर भी लटका सकते हैं या अपने कंधे पर रख के भी घूम सकते हैं। JBL की साउंड क्वालिटी वाकई काबिले तारीफ है और साथ ही इसकी 15 घंटे लगातार चलने वाली बैटरी इसे और स्पीकर से आगे खड़ा करती है। तो ऑल इन ऑल इन स्पीकर्स की साउंड क्वालिटी सच में एक्सट्रीम है। बस इन स्पीकर्स की कीमत इन्हें खरीदने से थोड़ा आपको पीछे ढकेल सकती है। ये स्पीकर्स आपको मार्केट में 24,000 तक अवेलेबल हैं, पर अगर साउंड क्वालिटी से आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते हैं तो ये स्पीकर आपको निराश बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मैडम हो गया आपका एक्सपेरिमेंट? हो गया। क्या निकला उसमें? पी भी लिया मैंने, कल सुबह पता चलेगा क्या निकला।
तो टेक गुरु पर हम लेते हैं इससे पहले कि इनकी मानसिक हालत और खराब हो जाए, लेते हैं एक लंबा सा ब्रेक, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।